हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू ग्राफिक्स मैनेजर और जितेंद्र और एक और वीडियो क्लास टू है ये कॉरल से रिलेटेड। प्रीवियस वीडियो पे कुछ फंडामेंटल मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारे न्यू वीडियो के अपडेट्स प्रॉपर आप तक पहुँचती जाए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, वीडियो का क्लास टू है ये, तो सबसे पहले हम एक न्यू पेज लेते हैं जिसके लिए न्यू डॉक्यूमेंट पर आपको जाना पड़ता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था क्या होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ओके बटन पर क्लिक करना है आपको ताकि एक न्यू डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाए। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल को देखेंगे। वन सेकेंड, रेक्टेंगल जैसे हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। ये पेज का साइज है आपका। अब देखो, एक चीज़ मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि रिक्वायरमेंट क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस वीडियो जहाँ तक हमने कंप्लीट करा था उसके बाद ये है। तो एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर लेंगे, और इस रेक्टेंगल को अगर आपको पूरे पेज के विड्थ के अकॉर्डिंग चाहिए, राइट, तो एक तरीका हो सकता है कि आप मैनुअल जा करके इसके साइज को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। लेकिन इसमें एक चीज़ें क्या होगी ना कि जब भी आप इसको करोगे जूम करके, तो जूम करके आप इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। माउस के सेंटर पॉइंट को, यानी माउस का बीच वाला जो बटन है, उसको स्क्रॉल करके आप पेज जो है वो जूम इन जूम आउट कर सकते हो डायरेक्ट विदाउट किसी कीबोर्ड के बटन को टच किए हुए, ओके। और आप ये पॉइंटर को देख रहे हो, ये ब्लैक कलर का जो एरो है, तो जिस पॉइंट पे ले जाएंगे, सपोज मैं इस पॉइंट पे ले जा रहा हूँ और मैं अगर माउस के बटन को अगर स्क्रॉल करूंगा तो वो स्पेसिफिक पार्ट जो है ना वो हमें जूम करता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अगर रेक्टेंगल हमें बनाना है तो। एक दूसरा तरीका और है कि हम क्या करें, एक रेक्टेंगल को पहले ले लें और हम देखें कि जो पेज है ना इसका विड्थ कितना है, 8.268, राइट। तो इसका सिलेक्शन हम करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद 8.268 और एंटर बटन हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो एग्जैक्टली जो विड्थ है ना वो हमारा इसका रेक्टेंगल का हो जाएगा। इसको जूम करेंगे हम और यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा, दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप मैनुअल कर दो या फिर आप स्पेसिफिक जो साइज है आपका वो आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। देखिए, अगर हम कहीं बाहर में क्लिक कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का सिलेक्शन हमने नहीं करा है, अभी ये पेज का विड्थ आपको दिखा रहा है, लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक किसी शेप का सिलेक्शन करेंगे तो वो उसका शेप दिखाएगा। जैसे इसको हम चेंज कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं इसको और छोटा कर ले रहा हूँ तो और देखो चेंजेस हो सकते हैं ना, ठीक है। तो ये इसके विड्थ है, इस स्पेसिफिक शेप की विड्थ है और इसका हाइट है, अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो इसका बताएगा। अब देखिए, हमारे पास जो रेक्टेंगल हमने अभी यूज करा है, इसके जो एजेस हैं ना, इसके जो कॉर्नर्स है वो हार्ड एज के हैं। अगर हमें राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास ये आ रहा है ना। तो ये जो है किसी भी रेक्टेंगल वगैरह का जो है कॉर्नर, वो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। अगर हम बाहर में क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल सिलेक्टेड नहीं है तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर आप रेक्टेंगल का सिलेक्शन करेंगे तो इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगा। तो राउंडेड वाले पे ये हम देख सकते हैं कि राउंडेड कॉर्नर है ना, एक राउंडेड कॉर्नर है, तीन ऑप्शन है अलग अलग। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास स्पेसिफिक ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे जो वैल्यूज आप डालोगे, जैसे मैं यहाँ पे 10 टाइप करता हूँ और एंटर कीबोर्ड में करेंगे, तो जितने भी यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे प्रोपोर्शन जो है इनेबल किया हुआ है ना, तो इसकी वजह से सारे के सारे जितने भी कॉर्नर्स हैं, हमने एक में वैल्यू डाला लेकिन वो वैल्यू सारे तरफ आ गए, यानी चारों तरफ हम देख सकते हैं कि जो एजेस हैं वो राउंडेड हो गए। जैसे वैल्यू को अगर हम 3 कर दें, 3 और एंटर करें, तो वन सेकेंड वो 3 सभी में हो जाएगा। वैल्यू को और कम करते हैं, जैसे 0.5 कर देते हैं, तो 0.5 चेंजेस होगा। और भी कम अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 0.5 बहुत ही कम वैल्यू रखा गया है, जैसे 0.1 कर देते हैं एंटर, देख सकते हैं आप, है ना। तो अभी कि हम बाहर में क्लिक करके देखते हैं कि यूनिट का जो सेटअप है वो क्या है, इंचेस है, तो इंचेस के अकॉर्डिंग वो चेंजेस आपको वहां पे मिल रहा है। ये ध्यान रखना है कि सिलेक्शन करेंगे तो उसका प्रॉपर्टी आएगा, सिलेक्शन हम नहीं करेंगे तो पेज का प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ये पेज का प्रॉपर्टी है। लेकिन स्पेसिफिक रेक्टेंगल में क्लिक करेंगे तो उस रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी आएगा। तो जिस भी चीज का सिलेक्शन आप करोगे उसका प्रॉपर्टी पैलेट है ये, है ना। और अगर हम चाहें तो इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे ये क्या है, ये राउंडेड कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर्स राउंडेड हैं और ये अंदर की तरफ राउंडेड है, देख सकते हैं ये डिजाइन है। और अगर एक हार्ड एज का होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है रेक्टेंगल का, जैसे कि ये आप देख सकते हैं इसमें रेक्टेंगल में हार्ड एज है, और ये राउंडेड कॉर्नर का एक ऑप्शन है, एक अंदर की तरफ राउंडेड है, इसको हम लोग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इस तरह का कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी कॉर्नर्स हैं ये सारे के सारे जो है इनमें चेंजेस वो देखने को मिल रहा है,
बिकॉज हमारा ये क्या है इनेबल किया हुआ है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं, जीरो टाइप करके और यहाँ पे एंटर कर देंगे कीबोर्ड से, तो सारे जितने भी साइड्स हैं यानी जितने भी कॉर्नर्स वाले साइड है वो सारे जीरो हो गए। अब अगर हमारा रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक, सिर्फ हम ये वाले में चेंजेस करना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करके हम जो लॉक था ना, यानी जो प्रोपोर्शन वाला जो मेंटेन कर रहा था, उसको हमने ऑफ कर दिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट वन करेंगे। तो स्पेसिफिक देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो कॉर्नर है इस पे ये चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे किसी भी और बाकी के थ्री में चेंजेस नहीं मिल रहा है। अब हमें यहाँ पे फिर से चेंज करना है, तो पॉइंट वन करके कीबोर्ड में एंटर करेंगे, तो स्पेसिफिकली हमारा ये इनेबल किया हुआ है, है ना। तो इस तरीके से जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल किया जा सकता है। तो ये एक चीज हो गया। अभी सिलेक्शन फिर से मैंने कर लिया, अभी हमें चाहिए इसका जो स्ट्रोक है यानी इसका जो आउटलाइन है, अगर हमें ये बोल्ड बनाना है तो हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जिसके लिए अगर सपोज मैं टू टाइप करता हूँ कीबोर्ड से और एंटर करता हूँ, तो स्पेसिफिक जो है सेलेक्टेड शेप में वो चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी ऑप्शन आ रहे हैं कि जो आउटलाइन है, जो स्ट्रोक का पार्ट है, वो आपको कैसा चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके से काफ़ी यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंटली ये सारे टूल्स। चलिए, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हमें एक कलर यहाँ पे फिल करना है। तो आप यहाँ पे कलर पैलेट में जा सकते हैं, कलर के कई सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में, जिस जो भी कलर आपको चाहिए आप क्लिक करोगे, वो सेलेक्टेड जो है वो इसमें फिल हो जाएगा। यहाँ पे आउटलाइन भी है, अगर हमें आउटलाइन नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में जीरो बटन जो है वो टाइप कर सकते हैं, एंटर करेंगे। तो जीरो करने से क्या होगा कि अब जो इसका स्ट्रोक है वो हट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके इस वाले पार्ट पे ले जाके यहाँ पे इसको रख सकते हैं। थोड़ा सा और जूम इन करेंगे, कितना परसेंट जूम है देखिए यहाँ पे परसेंटेज, आप जूम कितना परसेंटेज आपको चाहिए आप चेंजेस कर सकते हैं। अभी अगर हम चाहें तो फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम एक स्पेसिफिक लाइन यानी मार्जिन का लाइन बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो रूलर है रूलर के थ्रू से हम ला सकते हैं। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये रूलर है, रूलर में ये बटन जो है माउस का वो होल्ड करके क्लिक करना है, खींच के निकालना है आपको, तो लाइन आपके पास आ जाएगा। ये बेसिकली एक रेफरेंस लाइन है जिससे आपको पता चलेगा कि दूसरे जो भी शेप्स आपको बनाने हैं वो अलाइनमेंट वाइज कैसा होगा। तो दूसरा रेक्टेंगल हमने लिया और हम इसे भी सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसे यूज हम करते हैं। अच्छा, इसे हमें कॉपी करना है, मान लो ये शेप है, इस शेप को हम कॉपी करना चाहते हैं, इस वाले को उठा के हम अभी साइड कर दे रहे हैं। तो कॉपी कैसे किया जा सकता है, एक तरीका है कि इसका सिलेक्शन हम कर ले, एडिट पे जाए और यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है हमारे पास, और कॉपी करने के बाद वापस फिर से एडिट में जाके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये तो एक बड़ा फेमस सा हमारा शॉर्टकट है जिसमें हम करते हैं कंट्रोल सी, है ना, और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक उसके ऊपर में पेस्ट हो जाएगा, आप फिर चेंज कर सकते हैं लोकेशन को। तो एक तरीका हो गया कि हम कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें कीबोर्ड में, या फिर एडिट में जाके कॉपी और पेस्ट करें। ये आपको ज़रूर पता होगा क्योंकि सभी जगह होता है। लेकिन इसके अलावा भी कॉरेल में कुछ टूल्स दिए गए हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे कीबोर्ड में अगर आप प्लस बटन जो है ना, तो प्लस जो बटन है उसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका ये कॉपी कर देता है। देखिए, अभी मैंने प्लस बटन को प्रेस करा तो ये कॉपी हो गया, या फिर आप माउस में सिंपली क्लिक करके और उठा के ले जाएंगे दूसरी तरफ, और यहाँ पे लेफ्ट बटन को होल्ड करते हुए राइट बटन को भी आप होल्ड कीजिएगा इस तरीके से, तो आपका वो कॉपी कर देगा। ठीक है, या फिर आप उठा के ले जाएंगे और लेफ्ट वाले को क्लिक करेंगे तो देखिए, है ना। तो इस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं, काफी यूज किया जाता है फ्रीक्वेंटली क्योंकि इससे काम आपका जो है वो काफी फास्ट हो जाएगा। अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं एक से ज्यादा का, तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं शिफ्ट बटन के साथ, जैसे मैंने एक में क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया है, जो आउटर एजेस है वो आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप शिफ्ट बटन को कीबोर्ड में होल्ड करके दूसरे में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन आपके पास कि आप चाहो तो इसको जैसे यहाँ पे मैं प्लेस कर दे रहा हूँ, राइट। अभी देखो एक चीज़ आप ध्यान दोगे क्या, अगर मैं इसे इस तरीके से सिलेक्ट करूँ तो देखो दोनों में कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना। देखो मैं ड्रैग कर रहा हूँ, रीजन डिफाइन कर रहा हूँ, बट सिलेक्ट नहीं हो रहा। कॉरल का फंडा क्या है, जब तक कंप्लीट कवर नहीं करोगे, रीजन जो है जब तक कंप्लीट कवर नहीं करेगा शेप को, वो कभी भी सिलेक्ट नहीं होगा। जैसे जो एडोबे के जो पैकेजेस हैं, जैसे कि इलस्ट्रेटर वगैरह हमने पढ़ा है, तो वहां पे क्या होता है कि रीजन अगर टच भी कर जाए तो वो सिलेक्टेड हो जाएगा, बट कॉरल का अपना अलग फीचर है। कॉरल का कंसेप्ट क्या है,
कि आप एक रीजन जो डिफाइन करोगे इसमें कंप्लीट कवर करेगा जो शेप, सिर्फ वो ही शेप जो है, जैसे अभी इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, कंप्लीट कवर कर लिया उस रीजन के थ्रू से, तो दोनों ही यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सिर्फ के साथ होल्ड करके भी हम क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं एक से ज्यादा का, सिंगल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट होगा और डबल क्लिक हम करेंगे तो रोटेशन का ऑप्शन आएगा, आप रोटेट कर सकते हैं जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। कंट्रोल जेड से हम अंडू कर सकते हैं। और एक चीज की जब भी आप सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन करने के बाद आपके पास ये कॉर्नर्स मेजर्स आते हैं और ये आपका एंकर पॉइंट है या इसको हम लोग नोड बोलते हैं जहां से हमारा रोटेशन होता है। इसके पोजिशन को अगर हम चेंज कर दें तो अगर हम फिर रोटेट करें तो स्पेसिफिक वहां से हमारा रोटेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और उम्मीद है आप इसका सिलेक्शन करके ये सब चीज जो है वो ट्राई भी कर ले रहे होंगे। चलिए डिलीट कर देते हैं हम, और अगर हमें ये डिलीट करना है तो वापस हम फिर से इसमें क्लिक करेंगे, ये रेड कलर जो ब्लू लाइन था वो रेड लाइन हो गया। अब कीबोर्ड में डिलीट बटन हम प्रेस करेंगे तो वो भी जो हमने रूलर यूज करा था वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई रेक्टेंगल की, लेकिन यही कंसेप्ट आपके बाकी सारे शेप्स पे काम करेगा, चाहे आप इलिप्स को यूज करो या फिर आप कोई भी दूसरा टूल यूज करो, इन सभी पे ये काम करेगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे स्पाइरल वगैरह है, जैसे स्टार वगैरह मैंने आपको पहले बता दिया था, तो अब हम आएंगे स्पाइरल वगैरह हम बना सकते हैं। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे वैल्यूज है, जैसे 4 आ गया है। अब यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड दो तरह के ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, जैसे किस तरीके का आपको चाहिए, अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, तो और साथ ही साथ यहाँ पे कितने चाहिए आप यहाँ 7 कर लिए और यहाँ पे फिर ड्रॉ करेंगे तो अकॉर्डिंगली जो नया आप शेप बनाओगे वो उस पर काम करेगा। राइट, देखिए अब इसके वैल्यूज को बढ़ा देते हैं, जैसे 11 कर देते हैं और ये वाले में सिलेक्शन कर लेते हैं तो अकॉर्डिंगली चेंजेस हमें देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो चलिए इन सभी को डिलीट हम कर देते हैं फिलहाल डिलीट बटन से। और इसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कॉमन शेप्स, जिस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक आपको करना है, यहाँ पे कई सारे डिफरेंट शेप्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपके डिजाइन में आपको हेल्प करेंगे। तो जिस पे भी हम रैंडमली क्लिक करेंगे हमें वो जो है क्लिप टाइप का जो भी ऑप्शन दिया गया है वो पिक करने का ऑप्शन आ जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पे पहले जो टूल है ना, जो पिक टूल है हमारा, इससे हम सिलेक्शन करते हैं, इसको स्केल करते हैं, ये सारे काम करते हैं। और इसके बाद एक और टूल है हमारे पास यहाँ पे शेप टूल, इसमें हम अगर क्लिक करेंगे तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे देखिए। ठीक है, ओके। और साथ ही साथ जो रेक्टेंगल हमने बनाया था, इस रेक्टेंगल पे वापस फिर से आएंगे। और आपने एक टूल देखा था ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नाम था जिसका, इलस्ट्रेटर पे या फिर आप फोटोशॉप यूज कर रहे थे तो वहां पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो था, वही टूल यहाँ पे दिया गया है, बट उसका नाम चेंज कर दिया गया है, कॉरल इसे कहता है शेप टूल। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, डबल क्लिक आप करोगे और स्पेसिफिक जो नोड है ना उस पर हम चेंजेस कर सकते हैं। देखो एक चीज, अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है वो अलग अलग नाम से पुकारते हैं। देखिए हम इसको यहाँ से रोटेट करके चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए, तो उम्मीद है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अभी हम दोनों ही शेप्स को डिलीट कर देते हैं यहाँ से ताकि वो हट जाए। अभी इसी से हम और भी शेप्स में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे वापस फिर से मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया और इस टूल को हम यूज करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पर सिंगल क्लिक कर रहे हैं। देखिए ये 4 नोड्स है हमारे पास, 1 2 3 4 है ना, 4 नोड्स है, 1 2 3 4। इन सभी में जिस स्पेसिफिक नोड पे हम क्लिक करेंगे वो देखो सिलेक्टेड हो गया ना। अभी हमने सिर्फ सिंगल क्लिक करा है, अब हम इसको अगर चाहें तो सिर्फ एक स्पेसिफिक जो है कॉर्नर उसको हम राउंडेड बना सकते हैं, है ना। इस तरीके से भी इस टूल को यूज किया जा सकता है। और इसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे हम, जैसे हमने अभी तक कुछ कुछ टूल्स देखा था, अब हमने यहाँ पे एक और टूल है जिसमें हम टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट टूल को आप पिक कर लीजिएगा, ए जो बटन है वो इंडिकेट करता है टेक्स्ट को। जब आप उस टूल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये प्रॉपर्टी पैलेट पे आ जाता है ऑप्शन, जिसमें से आप फॉन्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसके साइज वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो या तो आप अभी चेंज कर लो या फिर आप टाइप कर लो, क्लिक हम करेंगे और क्लिक करने के बाद आप टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे ग्राफिक्स मेंटोर मैंने टाइप करा कीबोर्ड से। और जो भी आप टाइप करेंगे ना, देखो दो तरह से टेक्स्ट टूल को यूज किया जाता है, या फिर आप टेक्स्ट टूल बोलो या फिर आप फॉन्ट बोलो। ठीक है,
तो एक तरीका है कि आप सिंगल क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्लिंक करेगा कर्सर, आप चाहे तो जो टाइप कर सकते हैं। तो ये सिंगल जो हेडिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर आपका कोई डिजाइन है जिसमें पैराग्राफ अगर आपको फॉर्मेट यूज करना है तो आप उसको ड्रैग करके ना एक पैराग्राफ फॉर्मेट में बनाओगे, ठीक है। और आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो पैराग्राफ फॉर्मेट में जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग रीजन जो है वो ड्रैग करके डिफाइन करेंगे, और अगर हमें सिंगल लाइंस का कुछ टेक्स्ट यूज करना है तो सिंपली हम क्लिक करेंगे। तो इसे एक टूल से हम इसको मल्टीपल काम में ला सकते हैं। ये टेबल क्या है हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके तो अब जैसे कि ये टेक्स्ट है ना, इसके पोजिशन को हम चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव टूल के हेल्प से मूव कर सकते हैं। अगर ये सिलेक्टेड है, अगर हमने इसका सिलेक्शन करके रखा है तो हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे कैसा हमें चाहिए, डिफरेंट फॉन्ट्स है हमारे पास, तो अब जैसे फॉन्ट्स आपके पास इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में वो सारे फॉन्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे ये फॉन्ट अगर मुझे सिलेक्टेड है तो मैं क्लिक कर लूंगा तो स्पेसिफिक फॉन्ट का जो स्टाइल है वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉन्ट के साइज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 200 PD तक आपके साइज के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि काफी बड़ा है इनफैक्ट। तो एक तरीका है कि आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, और जो भी चेंजेस आप चाहो वो कर सकते हो, या फिर इसके जो नोट्स है ना इस पे भी आप यहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हो। तो आप देख लो आपको कैसे करना है, क्योंकि दोनों तरीके से आप काम को कर सकते हो। ओके या फिर आप चाहो तो मैनुअल वैल्यूज अगर आपको डालने हैं वो भी आप डाल सकते हो। जैसे 50 मैं टाइप करूंगा और एंटर बटन पे प्रेस करूंगा तो ये जो है स्पेसिफिक चेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे, राइट। अभी देखिए फॉन्ट के स्टाइल में यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि क्या वो फॉन्ट में वो ऑप्शन है कि नहीं। अभी जैसे हम चेंज करें, अगर यहाँ पे आप चाहें तो कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं। जैसे एरियल अगर मैं यूज करना चाह रहा हूँ तो एरियल में टाइप करूंगा, जैसे एरियल आ गया, तो एरियल का जो फॉन्ट है उसमें बोल्ड भी होता है, उसमें इटैलिक भी होता है, उसमें अंडरलाइन भी होता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या ऑप्शन जो आप पिक कर रहे हो वो फॉन्ट के स्टाइल वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। तो अभी देखो ये दो फॉन्ट हमने यूज करा है, तो रिसेंटली जो फॉन्ट यूज किया जाता है वो यहाँ पे आपके पास ऊपर में आ जाएगा, ताकि बार बार आपको जाके ढूंढने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़े, राइट। ओके अब जैसे फॉन्ट हमारा सिलेक्टेड है, फॉन्ट के कलर को चेंज करना है तो डायरेक्ट हम क्लिक कर सकते हैं, स्पेसिफिक जो कलर है जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्टेड वाले टेक्स्ट पे आ जाएगा, ड्रैग करके हम यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। ओके अभी जैसे हमें एक शेडो क्रिएट करना है ब्लैक कलर का, अगर हम नीचे चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे और नीचे वाला जो है शेप उसके कलर को यहाँ पे डार्क बना लेंगे, और इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो कॉरेल के जो टूल्स है वो काफी हैंडी है, काफी आसान है, तो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो डेफिनेटली इस पे आपका कमांड बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। और प्रिंटिंग प्रेस की हम बात करें या फिर प्रिंट मीडिया से रिलेटेड कोई भी डिजाइंस जो है उसको आप चाहे वो किसी भी तरह का कार्ड्स वगैरह खास करके हो, या फिर कुछ लीफलेट्स, ब्रोशर्स वगैरह, फ्लायर्स वगैरह है, तो वो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो जो वीडियोस हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, इसी की वजह से मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हैं वीडियोस वो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, तो आपको ये कंसेप्ट को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी वीडियोज़ डिज़ाइन करने के लिए। साथ ही साथ कॉरल के अलावा और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो प्लेलिस्ट पे जाके आप ज़रूर देखिएगा और रिव्यू कीजिएगा कैसा आपको हमारा वीडियो लग रहा है। और स्पेसिफिक किसी चीज़ की वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, कोशिश होगी मेरे उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए तैयार कर दूँ। अभी और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको कुछ ऐसा चीज बनाना है जिसमें आप हेडिंग की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कुछ शेप्स वगैरह ले सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इस पर मैं कलर ले लूंगा। अभी जैसे मुझे स्पेसिफिक सेम कलर चाहिए, तो अब मुझे जाके वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे यही कलर यहाँ पे डालना है, ग्रे का यही कलर चाहिए, तो मैं सिलेक्शन कर लूंगा। अब देखो यहाँ पे नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, तो ये काफी अच्छा सा एक ऑप्शन है, जो भी कलर आप अभी तक ग्राफिक्स में यूज कर रहे हैं वो सारे कलर्स यहाँ पे ऑटोमेटिक पिक हो जा रहा है। अब आप यहाँ पे क्लिक कर लो तो वो जो कलर है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके अगर हम देखें तो आउटलाइन भी आ रहा है, जिसको हम यहाँ पे 0 टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से, जिससे होगा ये कि वो जो है वो उसका आउटलाइन हट जाएगा। अब हम इसको वापस कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाएंगे और हमें इसका कलर क्या चाहिए, ये वाला, तो हम चेंज कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम काफी आसानी तरीके से हो सकता है। तो कलर चेंज अगर हम स्पेसिफिक टाइटल का करें तो वो भी हो जाएगा, अगर हम चाह रहे हैं पैराग्राफ में चेंज करना तो वो भी हमारा हो जाएगा, सिंपली क्लिक करके हम कर सकते हैं। ओके चलिए अभी सभी को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, आई होप ये चीजें अभी तक समझ में आपको आ गई। तो ये टेक्स्ट टूल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने इसे यहाँ पे कवर करा है। इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो पे क्लास 3 में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टूल्स देखेंगे, तो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।